गो। ओके चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ अच्छा तो बेटे जैसे सूर्य माता बोल रहा है, आप अगर सोचो कि जो क्वेश्चन को हमने कल इग्नोर किए थे, बोले थे कि ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है, कौन सा वाला सवाल था? 12 है ना, 12 था जो, 12। सर हाँ तो ये 12 वाला सवाल जो इनकरेक्ट हमने बोले थे, इसका जो आंसर बुक में भी दिया है, जो सॉल्यूशन दिया है वो भी इनकरेक्ट दिया है, वो भी इनकरेक्ट ही दिया है। तो उसके हिसाब से एन एक फ्रैक्शन आ रहा है, कल भी हमारा एन फ्रैक्शन आ रहा था 1/5। तो सवाल है कि एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक में इंसर्ट कर रहे हो, तो एन एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो फ्रैक्शन कैसे होगा? बड़ा गलत हुआ था। लेकिन अगर हम सोचे तो क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन को अगर सोचे तो क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि अगर बड़े क्वेश्चन को पढ़ो, उसने बोला है, अच्छा ये क्वेश्चन को मतलब सही से समझने के लिए आप ऐसे समझ लो, सपोज मेरे पास एक एपी है, एंड अगर उसका कॉमन डिफरेंस बड़े पॉजिटिव है ना, अगर मेरा एपी का कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है ना बेटे, तो ऑब्वियसली मेरा जो एपी होगा वो इंक्रीजिंग एपी होगा। क्या होगा? इंक्रीजिंग एपी होगा, मतलब क्या होगा ना, धीरे 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 करके टर्म का वैल्यू बढ़ते जाएंगे, है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस से पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो धीरे 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 टर्म्स बढ़ते जाएंगे, समझ रहे हो ना, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ये एपी है, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है बेटे, पॉजिटिव है 1, तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होने के कारण क्या हुआ, जैसे आगे जा रहे हो टर्म का वैल्यू बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन बेटा अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव ले जाओ तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, आपका डिक्रीजिंग एपी आ जाएगा, है ना, डिक्रीजिंग एपी आ जाएगा, टर्म के वैल्यू घटते जाएंगे, है ना। जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं लिया डी इज इक्वल टू, सपोज मैं ले रहा हूँ डी इज इक्वल टू एक 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 एपी ले रहे हैं, 10, 8, 6, 4, 2, इट इज एन एपी, और एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है बेटे, -2 है, देख सकते हो ना, -2 है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है ना, टर्म के वैल्यू धीरे धीरे आगे जितने जा रहे हो घटता जा रहा है ना, 10 से 8 छोटा, फिर 8 से 6 छोटा हो गया, और क्योंकि एक नेगेटिव नंबर जब ऐड करोगे तो वैल्यू, अभी नेगेटिव नंबर जब ऐड करते हो ना किसी में, तो वैल्यू उसका घट जाता है ना, डिक्रीज करता है, टर्म डिक्रीज करता है। उस लॉजिक लगा के ये सवाल सही है, क्योंकि सवाल ने बोला है कि देर आर टू नंबर्स, दो नंबर है हमारे पास, और वो दोनों नंबर के बीच में हमने एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक में इंसर्ट कर रहे हैं, है ना, हमारे पास दो नंबर है, देर आर टू नंबर्स ए बी, और उन दोनों के बीच में आप क्या कर रहे हो, एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक बीन इंसर्ट कर रहे हो, और उसने बोल रखा है क्वेश्चन में कि सम ऑफ ऑल द अरिथमेटिक मीन्स, मतलब ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस ए एन, सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन, उसने 20 आपको गिवन किया है, और क्या बोला है ना, अगर देखो और क्या बोला है ना, द का 12, 5, इफ द लास्ट मीन है ना, लास्ट अरिथमेटिक मीन इज डबल ऑफ द फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, है ना, लास्ट मीन इज डबल ऑफ द फर्स्ट, जो अरिथमेटिक मीन आपने इंसर्ट किए हो उनमें से जो लास्ट अरिथमेटिक मीन है वो कौन है, एन, है ना, एन, लास्ट मीन इज डबल ऑफ द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट अरिथमेटिक मीन का डबल है, ये भी आपको गिवेन है। अच्छा भैया इतना इंफॉर्मेशन से आपको एक बात पता चलना चाहिए, जो दो नंबर ए बी के बीच में आप एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन जब इंसर्ट करते हो, तो ये जो सीक्वेंस बनता है ये एपी बनता है ना, इतना इतना तो आपको पता ही है, अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने के बाद एपी का क्रिएट होता है, जिससे एन एपी, और एपी में टर्म्स या टर्म्स के वैल्यू या तो बढ़ेंगे या तो घटेंगे डिपेंडिंग अपॉन कॉमन डिफरेंस। अगर बेटे कॉमन एपी का कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो आगे जितना जाओगे टर्म के वैल्यू बढ़ते जाएंगे, और अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो आगे जाओगे तो कॉमन मतलब टर्म के वैल्यू घटते जाएंगे, है ना। तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि एपी में टर्म के वैल्यू पहले बढ़े फिर घटे, ऐसा होगा क्या? अगर बढ़ेंगे तो कंप्लीटली बढ़ेंगे, अगर घटेंगे तो कंप्लीटली घटेंगे हर जगह, अरे समझ रहे हो, ठीक है, यस सर कॉमन डिफरेंस एपी में, एपी में तो थ्रू आउट एपी कॉमन डिफरेंस कॉन्स्टेंट है, तो कॉमन डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो एपी में जितना आगे जाओगे वैल्यू बढ़ते जाएंगे, और अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो जितना आगे जाओगे वैल्यू घटते जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एपी का टर्म्स के वैल्यू पहले बढ़े फिर एक पॉइंट का घटे, ऐसा नहीं होगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट, मतलब इंक्रीज किए फिर डिक्रीज किए, ऐसा नहीं होगा। तो इस लॉजिक से उसने बोल रहा है कि लास्ट अरिथमेटिक मीन पहला अरिथमेटिक मीन का डबल है ना, ये वाला अरिथमेटिक मीन ये वाला अरिथमेटिक मीन का डबल है, तो इसका मतलब बेटे इसका वैल्यू इससे बड़ा है ना बेटे,
एन का वैल्यू ए वन से बड़ा है, अरे समझ रहे हो, सॉरी ए एन का सर। वैल्यू ए वन से बड़ा है ना, क्योंकि एन इज डबल अप, सबको मेरे पास समझ रहे हो। लेकिन हाँ एक जी पॉइंट सर। पे, एक पॉइंट पे ये लॉजिक काम करना बंद करेगा। अगर बोल रहा है कि एन इज डबल अप ए वन, तो डबल हो जाने से क्या होता है कि नेगेटिव नंबर का अगर डबल कर दूँ तो बेटा वैल्यू डिक्रीज कर जाता है ना। आप सपोज एक नेगेटिव नंबर ले जाओ -5, -5 का डबल क्या होगा बेटे, -10, और -10 -5 से छोटा होता है ना। पॉजिटिव नंबर का डबल करने पे उसका वैल्यू बढ़ता है, लेकिन नेगेटिव नंबर को जब डबल करोगे तो वैल्यू घट जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो ना, क्लियर और नॉट? यस नेगेटिव नंबर का सर, डबल, यस सर। नेगेटिव नंबर में अगर आप अगर उसका डबल कर दो, -5 एक नेगेटिव नंबर है, उसमें 2 मल्टीप्लाई करने से उसका वैल्यू बढ़ने की जगह कम हो जाता है। लेकिन 5 अगर मैं दूं, 5 में 2 मल्टीप्लाई कर उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि एक नंबर का डबल अगर दूसरा नंबर आ रहा है तो जो डबल वाला नंबर बड़ा होगा, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी हमेशा नहीं है। तो यहाँ पर एन ए वन का डबल है, तो इसका मतलब हम ये भी नहीं बोल सकते हमेशा के लिए ए एन ए वन से बड़ा है। क्योंकि अगर अरिथमेटिक मीन, सपोज ये अरिथमेटिक मीन सारे नेगेटिव है, तो वहां पर बेटे अगर ए नेट ए वन का डबल हो जाएगा तो ए वन बड़ा हो जाएगा, ए एन छोटा हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा ले रहे हैं तो हमें पहले से अस्यूम करना होगा, लेट्स अस्यूम कि एन ए वन एंड ए एन आर पॉजिटिव। अगर ये हम एस्यूम करके चलते हैं तो ठीक है, सपोज ए वन एंड ए एन दोनों पॉजिटिव नंबर, अगर दोनों पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये अरिथमेटिक मीन सारे पॉजिटिव है, तो बेटा अगर ए एन ए वन का डबल हो गया और दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो ऑब्वियसली एन का वैल्यू ए वन से बड़ा है, तो वहां पर बोल सकते हैं कि हाँ ए एन इज ग्रेटर देन ए वन। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है मेरे बात? अरे सर समझ आया, हाँ बोलो। सर इधर दिया है कि वो सारे मीन का सम 20 दिया है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी मीन नेगेटिव होगा? अगर सारा मीन वेरी नेगेटिव होगा तो 20 नहीं होगा। वेरी गुड, दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट। अच्छा ये पॉइंट को ऐसे काउंटर किया जा सकता है, ए वन ए टू। अच्छा सुनो एक बात, तो है जो क्वेश्चन है उसमें एक्चुअली मैं पूरा मेंशन करना चाहिए कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है, वो मेंशन नहीं किया है। वो तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है, और इनफैक्ट वो सोल्यूशन भी बुक में गलत दिया है। लेकिन अगर आप सूर्य माधव के लॉजिक से सोचे कि इन टर्म्स का सम 20 आ रहा है, और सपोज आपका कॉमन डिफरेंस सूर्य माधव के हिसाब से सब पॉजिटिव होने चाहिए, ऐसा तो नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली सारे अगर नेगेटिव हो जाएंगे तो गलत हो जाएगा। अगर ये सारे सर के मैं सारे बोलूँ नेगेटिव सारे नंबर, नेगेटिव होना हाँ चाहिए। हाँ अगर ये सारे के सारे नेगेटिव हो गए तो सारे नेगेटिव नंबर को ऐड करोगे तो 20 का भी नहीं आएगा। सारे अगर नेगेटिव सारे नेगेटिव को ऐड करो तो नेगेटिव आएगा ना, तो बेटे 20 तो नहीं यस आएगा, सर। तो इसका मतलब ये सब कुछ नेगेटिव नहीं है। अच्छा वो भी सही है। तो सारे को ही पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक सारे भी को ही नेगेटिव। पॉजिटिव लेना पड़ेगा आपका कहना है, सारे नेगेटिव नहीं हो सकते उनमें से। अच्छा एक भी ऐसा हो सकता है उनमें से कुछ, मतलब सपोज एन नेगेटिव है ए वन पॉजिटिव है, ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब ए एन नेगेटिव है एंड ए वन पॉजिटिव है, ऐसा भी तो हो सकता है। क्योंकि सर अगर मेरा सुनो, मैं आपको मतलब एक आर्ग्यूमेंट हो रहा है, मैथ का आर्ग्यूमेंट, कि सपोज कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव है, कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव है, तो जैसे आगे आगे जाते हो वैल्यू धीरे धीरे घटता जाएगा। एंड सपोज आपका फर्स्ट अरिथमेटिक मीन पॉजिटिव, तो जैसे जैसे आगे आगे गए 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 कॉमन डिफरेंस तो नेगेटिव है, मतलब वैल्यू घटेगा, तो घटते घटते किसी पॉइंट पर नेगेटिव नंबर भी आ सकता है। जैसे कि सपोज मैं क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिखा रहा हूँ, सपोज 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, ये भी तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, नेगेटिव, मतलब वैल्यू घट रहा है। तो पहले टर्म्स पॉजिटिव थे तो धीरे धीरे घट घट के नेगेटिव ही हो गए। उस लॉजिक अगर देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट अरिथमेटिक मीन ये पॉजिटिव है और ये बंदा नेगेटिव है,
और अगर ये नेगेटिव है और ये बट पॉजिटिव है तो इसका डबल सर, एक्स हो बट सकता है, डबल एक्स हो सकता है। सर दोनों का साइन सर डिफरेंट नहीं हो सकता है सर, क्योंकि वो हाँ गिवन है कि सर एन इज इक्वल टू टू ए यस टू, यस तो फिर यस, सर आइदर दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा दोनों दोनों का साइन यहाँ पर अपोजिट भी नहीं हो सकता, कारण क्या है ना, एन ए वन का डबल है। तो बेटा सपोज ए वन नेगेटिव नंबर हो गया तो एन भी नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ए वन नेगेटिव एन नेगेटिव तो इसका मतलब बीच वाले सारे टर्म्स भी नेगेटिव, और सारे नेगेटिव को ऐड करके 20 कभी नहीं मिलेगा। तो एक ही लॉजिक हुआ कि ए यस सर, वन एंड एन तो बोथ फिर पॉजिटिव। सर मतलब, यस यस सर मतलब ये एपी में सर जितने भी टर्म है वो सब पॉजिटिव है सर। यस। तो बेटे अरे सबको समझ में आया कंक्लूजन्स क्या निकला? देखो सवाल देखो, ए वन ए टू ए थ्री ऐसे लेके ए एन तक है ना, जो टर्म्स है ना, ये के पी है। तो बेटे बात ये कि उसने बोला है कि ये वाला लास्ट जो अरिथमेटिक मीन है वो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन का डबल है। तो हम ये लॉजिक लगाना चाहते हैं कि अगर एन ए वन का डबल है तो इसका मतलब एन ए वन से बड़ा है कि नहीं है। आंसर इज यस, एन ए वन से बड़ा है, क्योंकि देखो बेटे यहाँ पर ए वन एन दोनों पॉजिटिव नंबर जरूर होंगे, ए वन एन दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर जरूर है। क्यों सोचो, अगर बेटे एक एपी का फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, अरे समझ रहे हो ना बेटे, अगर एक एपी का फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों के दोनों नेगेटिव है ना, मतलब फर्स्ट टर्म नेगेटिव है लास्ट टर्म भी नेगेटिव है, तो बीच वाले जो टर्म आएंगे वो सब भी नेगेटिव ही आएंगे। आप जरा सोचो ना, यस सर, अगर एपी का फर्स्ट टर्म आपका नेगेटिव है लास्ट टर्म भी नेगेटिव है तो बीच वाले टर्म भी नेगेटिव आएंगे, और अगर फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है लास्ट टर्म पॉजिटिव है तो बीच वाले टर्म भी पॉजिटिव आएंगे। क्योंकि एपी में कॉमन डिफरेंस कॉन्स्टेंट होता है, वो आइदर डिक्रीज करते हैं टर्म्स या फिर इंक्रीज करते हैं टर्म्स। तो अगर ये दोनों नेगेटिव, अच्छा तो यहाँ पर ए वन एन दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, कारण क्यों है, क्योंकि इमेजिन करो अगर ए वन एन नेगेटिव होगा तो सपोज इमेजिन करो एन इज इक्वल टू टू ए वन। हाँ अगर बेटे ए वन एन दोनों नेगेटिव हुए तो बीच वाले सारे नेगेटिव हो जाएंगे, और ये सारे नेगेटिव नंबर को ऐड करके पॉजिटिव नंबर कहीं मिलेगा क्या, 20 कहीं मिलेगा क्या? नहीं। सपोज ए वन भी नेगेटिव एन भी नो सर, नेगेटिव तो बीच वाले नेगेटिव, तो इन सबको ऐड करके पॉजिटिव नंबर कैसे मिलेगा? तो इसका मतलब ए वन एन आर नॉट नेगेटिव। दूसरा कंक्लूजन, हो सकता है एन नेगेटिव ए वन पॉजिटिव, लेकिन उससे वो भी नहीं होगा, क्योंकि बेटे अगर एन नेगेटिव हुआ तो बेटे उसका जब डबल करोगे वो भी तो नेगेटिव आएगा। सॉरी, अगर ए वन नेगेटिव हुआ, अगर ए वन नेगेटिव हुआ तो जब उसका डबल करोगे तो भी तो नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब उस टाइम में एन भी नेगेटिव आ जाएगा, एन इज इक्वल टू ए वन, और ए वन एन दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि ए वन एन दोनों पॉजिटिव है, और अगर ए वन एन दोनों पॉजिटिव है तो बीच वाले भी सब पॉजिटिव और एन ए वन से बड़ा है। ओके यस सर, हाँ, तो फाइनल कंक्लूजन इज एन इज बेटर देन ए वन, फाइनल कंक्लूजन। अच्छा अगर एन ए वन से बड़ा है तो बेटा ऑब्वियसली आप देख सकते हो ए एंड बी में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। अरे एक एपी है ना, मतलब एक बी एपी बड़ा है होगा ए छोटा का। ऑब्वियसली, अरे एक एपी है ना, एक एपी है, एपी में टर्म्स है तो डिक्रीज करेंगे या फिर यस इंक्रीज सर, करेंगे, तो आपका एन अगर ए वन से बड़ा है तो मतलब इंक्रीज कर रहे हैं ना टर्म्स का वैल्यू, तो ए ऑब्वियसली छोटा होगा एंड बी बड़ा होगा, है यस ना, सर, बी इज बेटर देन ए होगा। और उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि इन दोनों में से एक नंबर दूसरा नंबर का थ्राइस है, समझ रहे हो ना, थ्री टाइम्स, मतलब ये जो दो नंबर के बीच में आपने इंसर्शन किए थे ए बी के बीच में, कि ए बी में से एक नंबर दूसरा नंबर का 3 गुना है, तो कौन सा नंबर किसका 3 गुना है अगर सोचे तो ऑब्वियसली बी अगर ए से बड़ा है ना, और दोनों अभी, अरे समझ रहे हो ना, तो अगर फिर बी ए सर से बड़ा है बी इज इक्वल टू 3 होगा। यस सर, बी इज इक्वल टू 3 होगा, राइट और नॉट उस लॉजिक से? यस सर, हाँ, तो बी इज यस इक्वल टू सर, 3 लेके अगर करें तो आंसर सही आ रहा है, तो क्वेश्चन एक्चुअली में गलत नहीं है, क्वेश्चन यस सर, एक्चुअली में गलत नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, और हंसी की बात यह है कि जो क्वेश्चन सेट किया है उसने सॉल्यूशन भी गलत लिखा है।
चलो ठीक है, तो क्वेश्चन सही लिखा है लेकिन सॉल्यूशन गलत दिया था उसने। चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस सर। कुडोस टू सूर्य माधव एंड आयुष्मान, वेरी गुड। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। ओके।